हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 12 बजे से लॉगिन किया और आज ट्यूसडे है तो आज ज़्यादा नहीं होगा, ये गारंटी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन हमेशा मैं जितना दिन काम किया अभी तक तो मंगलवार सबसे ज़्यादा अर्निंग हुआ है, वो संडे हो मंडे हो जो भी हो, लेकिन मंगलवार से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आज चलता हूँ, फिर से निकलता हूँ और आज टिप्स भी बहुत होने वाला है, मतलब होता है, मैं मुझे पता है, बस वही है। तो अभी फिलहाल लॉगिन कर दिया, 12:01 पे लॉगिन किया और देखता हूँ टोटल अर्निंग कितना होता है आज का दिन में। और आज भी ऐसा ही 8 से 9 गिग्स तक है, मतलब रात 12 बजे तक तो गिग्स है, लेकिन कब तक करूँगा वो पता नहीं। कल तो 1 गिग्स ऑलरेडी कैंसिल कर दिया और कल का अर्निंग बहुत ही मतलब सोचने वाला नहीं था, ऐसा ये होगा तो सोचा भी नहीं था। और कल इतना दूर दूर घुमा है कि क्या बताओ, अच्छा नहीं लगा कल, बिल्कुल भी सही नहीं था, कुछ भी सही नहीं था। फिर भी जो भी हुआ बस चलेगा, दिन में जितना खर्चा होता है वो तो आ जाता है, और क्या करें, सेविंग्स नहीं हुआ, लेकिन खाना के लिए और मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा चाहिए था वो तो मिल गया। और आज कल जैसे कि मैं 200 रुपये का पेट्रोल शाम के टाइम डाल दिया, तो आज पेट्रोल का कोई बात नहीं, आज पूरा उसी पेट्रोल से काम चल जाएगा, तो आज पेट्रोल का खर्चा भी बच जाएगा। तो देखता हूँ दोस्तों लास्ट तक कितना होता है, और ऑर्डर अभी तक नहीं आया, ऑर्डर आने से रूम से निकलेंगे। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, अभी देख सकते हो 12:04 हुआ है और एक भी ऑर्डर्स नहीं है, टाइम भी 00 है, सब कुछ 00 है। और मेडल थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि दोनों गिग्स मैंने कैंसिल कर दिया था। एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज का पहला ऑर्डर 29 रुपये का है और जल्दी जल्दी चलता हूँ और इसको कम्प्लीट करता हूँ, और आज मेरे लिए लकी डे होता है मंगलवार को। तो रेस्टोरेंट के पास तो पहुंच गया, तो जल्दी जल्दी बैक फोटो तो देना पड़ेगा अभी सिंपली, तो ये दे देता हूँ और पहला ऑर्डर को पिकअप कर लेता हूँ, डिलीवरी पॉइंट पे भी पहुंचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जैसे कि पिकअप लोकेशन पहुंच गया, साथ ही साथ फ़ोटो तो मांगा है, इसका गारंटी था, तो फोटो पहले दे देता हूँ। तो फोटो सबमिट कर देता हूँ और ऑर्डर ऑलरेडी रेडी हो गया, मैं जल्दी जल्दी इसको पिकअप भी करता हूँ। दोस्तों ऑर्डर तो पिकअप कर लिया, लेकिन सबसे खुश बात ये है कि मैं ये जो ऑर्डर है पैदल जाके भी दे सकता हूँ, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने का भी जरूरत नहीं, इतना नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी इसका कम्प्लीट करता हूँ। फिर भी जैसे कि बाइक है और भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसको डिलीवरी करता हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों ड्रॉप लोकेशन में भी पहुंच गया बहुत जल्दी, बाइक में आने में 30 सेकंड लगा, अगर मैं पैदल आता तो शायद ही 1 मिनट लगता। तो डिलीवरी करता हूं और पहला ऑर्डर के साथ इसका अर्निंग भी स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कितना मिलता है। 29 रुपये शो हो रहा था लेकिन मैंने इतना शॉर्टकट आया, पता नहीं कितना मिलेगा। तो दोस्तों ऑर्डर हो गया, डिलीवरी रेटिंग दे देता हूं, साथ ही साथ देख लेता हूं कितना मिला है। पहला ऑर्डर 29 रुपीस ही मिला, तो 30 रुपीस क्योंकि 83 पैसा मतलब ही 30 रुपीस। तो चलिए और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी असाइन हो चुका है और डिलीवरी 1 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 31 रुपीस हो रहा था, तो देखता हूँ कितना मिलता है। और दोनों ही पास में, पिकअप लोकेशन में भी बहुत पास में, डिलीवरी बॉय पे भी बहुत पास में, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ इसको भी। दोस्तों ज़्यादातर टाइम मैंने मास्क यहीं पे पहनता हूँ, लेकिन जब भी कस्टमर के साथ बात करना तो मैं ऐसा पहनता हूँ, मतलब बस थोड़ा सा टाइम ऐसा खींच कर रख देता हूँ, क्योंकि कस्टमर उधर मास्क बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसके लिए ऐसा करना पड़ता है। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर की ड्रॉप लोकेशन में भी पहुँच गया और इसको जल्दी जल्दी डिलीवरी करता हूँ। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी हो गया, डिलीवरी रेटिंग दे देता हूँ और साथ ही साथ देख लेता हूँ कितना हुआ है। ओके 31 तो 31 ही मिला, तो गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ। और अभी तक 2 ऑर्डर भी कंप्लीट किया तो 61 रुपीज़ हुआ, तो ठीक है नेक्स्ट ऑर्डर के लिए देखता हूँ कब तक मिलता है। दोस्तों थर्ड ऑर्डर भी असाइन हो चुका है 27 का, तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों थर्ड ऑर्डर भी डिलीवरी हो गया और इसमें 28 रुपीज़ मिला और अभी टाइम हो गया 12:58, तो अभी 90 रुपीज़ हुआ टोटल, तो देखता हूँ और भी हाथ में टाइम है कब तक मिलता है। दोस्तों
अभी अभी एक ऑर्डर डिलीवरी किया और इसमें देखता हूँ कितना मिलता है। ओके देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा तो इसमें मिला 31 रुपीज़ दोस्तों। तो ओके नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ। दोस्तों अभी अभी एक ऑर्डर ऐसा ही हो गया, इसमें 26 रुपीज़ शो हो रहा था, तो देखता हूँ कितना मिलता है। दोस्तों अभी 3:06 हो गया और गिग्स ओवर हो गया, मतलब टाइमिंग का ओवर, फिर 4 बजे से है, तो 1 घंटा रेस्ट लेने के लिए मिल रहा है। तो अभी चलता हूँ रूम पे, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर निकलता हूँ, और अभी तक तो ज़्यादा नहीं हुआ। सोचा था मंगलवार है और मेरा लकी डे है तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी लकी डे भी कुछ काम नहीं करता है, एक जैसा ही हो रहा है। पैसा मतलब आ रही है, मतलब ऑर्डर्स तो आ रहा है, मैं तब से इतना टाइम से सिर्फ ऑर्डर ही कर रहा हूँ, मतलब एक के बाद ऑर्डर आता ही रहता है, लेकिन पैसा उतना नहीं है ना, इसलिए 20 रुपये करके कितना ऑर्डर करेगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ, फिर देखता हूँ आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक 225 रुपये हुआ है, कल भी ऐसा ही हुआ था 208 रुपये या समथिंग, तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। अभी तो 3:05 हुआ मेरा लॉगिन, चले देखता हूँ क्या होता है आगे जाके। तो दोस्तों रूम में जल्दी जल्दी पहुँच गया और साथ ही साथ ड्रेस ऐसा ही है, अभी फ्रेश होके फिर खाना खाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि हाथ में बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम है, तो आज खाने में क्या बनाया, आज सुबह सुबह ही बिरयानी बना लिया था, मशरूम बिरयानी, तो अभी वो खाने वाला हो। तो ये आज का मेरा खाना मशरूम बिरयानी बनाया था आज, तो खाता हूँ जल्दी जल्दी फिर रेडी होता हूँ। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था, बस उसी टाइम में एक ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर तो पिकअप हो गया ऑलरेडी, डिलीवरी पॉइंट पे भी पहुँच गया, और अभी ये कैश ऑन ना सॉरी कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी है, तो गार्ड के पास छोड़ने के लिए बोला, तो जल्दी जल्दी दे देता हूँ और इसमें कितना आता है वो देख लेता हूँ। तो दोस्तों ऑर्डर हो गया, डिलीवरी दे दिया रेटिंग, और बहुत नज़दीक में था, जस्ट शॉप के ऑपोजिट में था, लेकिन इसमें दिखा रहा है 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर भी नहीं है, बहुत जोर होगा तो दिखाई दे रहा है, इधर से मतलब 200 मीटर। फिर नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ और ऑलरेडी। तो दोस्तों और एक ऑर्डर आ गया साथ ही साथ, जहाँ से लेके आया था बस वही पे वापस जा रहा हूँ, मेरी नमल से आया था, मेरी नमल में ही जा रहा हूँ फिर से। तो दोस्तों आज का पहला टिप्स 30 रुपीज़, बहुत टाइम बाद जगह मिला। तो दोस्तों इस ऑर्डर में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला, 68 रुपीज़, क्योंकि इस ऑर्डर में टिप्स था 30 रुपीज़ का, जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा हो रहा है, नहीं तो बस ऐसा ही चल रहा है, बहुत कम ऑर्डर मिल रहा है पैसा। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर में भी टिप्स मिल गया, आप देख सकते हो पहला ऑर्डर का टिप्स 30 रुपीज़ था, ये ऑर्डर का 10 रुपीज़, तो उससे थैंक यू बोल देता हूँ और जल्दी जल्दी चलता हूँ। तो काफ़ी टाइम से वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि ओके ऑर्डर भी रेडी हो गया, तो चलो को पहले कंप्लीट करता हूँ। हो गया भाई, थैंक यू भाई। दोस्तों फिर से बारिश स्टार्ट हो गया था, फिर अभी रुक गया, और इसी टाइम में एक ही ऑर्डर मिला बारिश के टाइम में, और काफ़ी टाइम से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा ऑर्डर आता ही रहता है और बस धीरे धीरे करते जा रहा हूँ, इसलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है अभी तो 7:20 हो गया और अर्निंग भी 480 के आसपास हो गया, तो देखता हूँ लास्ट तक कितना होता है। तो दोस्तों इस ऑर्डर में रेन सर्ज मिला 20 रुपीज़ और ऑर्डर अर्निंग है 28 रुपीज़, टोटल हो गया 48 रुपीज़। तो चलता हूँ, ना कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ओके सच एक्स्ट्रा एंशन टिप हो रहा है, ठीक है नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ। दोस्तों आज का थर्ड टिप्स 30 रुपीज़, से थैंक यू बोल देता हूँ और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों अभी एक ऐसा लोकेशन पे आया जहाँ पे मतलब समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, मतलब ये डिलीवरी पॉइंट नहीं है, पिकअप पॉइंट है, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो नहीं है, एक घर है जहाँ पे वो लोग खाना बना के बेचते हैं, तो बस वही पे आया, देख सकते हो ये, ठीक है सिंपल। तो अर्निंग अच्छे से हो रहा है, अभी बारिश हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो उस टाइम से सर्जी पे एक्टिव हो गया, काफ़ी सारा ऑर्डर कर दिया, लेकिन सर्जी पे पहले जैसा 30 रुपीज़ दे रहा था ऐसा नहीं हो रहा है, अभी 20 रुपीज़ करके दे रहा है,
और अभी जो ऑर्डर लेने के लिए आया उसमें 30 रुपीज़ का टिप्स है, तो देखता हूँ कितना होता है, अभी जाके देखाता हूँ कितना हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, अभी एक ऑर्डर है जिसमें 30 रुपीज़ का टिप्स भी शो हो रहा है। तो उसके बाद मैं आज का अर्निंग दिखा देता हूँ। इसमें पहले तो 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ ऐसा टिप्स सॉरी सर्जे पे दिखा रहा था, लेकिन अभी 40% दिखा रहा है। अभी परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड करता है वो तो मुझे भी मालूम नहीं, अगर टोटल अर्निंग के ऊपर होगा या पे आउट के ऊपर होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, तो देखता हूँ क्या होता है। और अभी तक हो गया 600 मतलब 700 रुपया हो गया ऑलरेडी, और टोटल जो टाइमिंग है 8 घंटे 24 मिनट टोटल ट्रिप्स किया दोस्तों 20 ट्रिप्स। आप देख सकते हो आज का अर्निंग का पूरा डिटेल्स। आज बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मतलब दिन जा रहा है तो ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ क्यों होता है पता नहीं, पैसा नहीं होता है। इतना मेहनत करता हूँ पूरा दिन घूमता हूँ लेकिन पैसा नहीं होता है। आज देखिए कितना कम हुआ, कल तो 730 रुपया हुआ, अभी 9:16 हो गया, अभी तक भी 700 रुपया पूरा नहीं हुआ। अभी एक दो ऑर्डर में शायद कर पाऊँगा, 11 बज जाएगा बस रूम चला जाऊँगा। तो अभी बहुत ही कम दे रहा है जोमेटो, इसलिए सारा का सारा आदमी सब स्विगी में ज्वाइन कर रहा है। दोस्तों ये शायद आज का लास्ट ऑर्डर है, आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर और टोटल टाइमिंग लगा 15 मिनट, और थोड़ा ज़्यादा दूर आ गया अपने लोकेशन से। तो गेट नेक्स्ट ऑर्डर तो चलता हो, लेकिन अभी और ऑर्डर नहीं करेंगे, अभी सीधा रूम चलेंगे क्योंकि 11:15 हो गए। दोस्तों आज का टोटल अर्निंग थोड़ा शो करा देता हूँ, आप देख सकते हो 927 रुपीज़ हो गया, और साथ ही साथ 10 घंटा 23 मिनट ऊपर से ट्रिप्स है 25 ट्रिप्स, ऑर्डर भी 25 ही है क्योंकि जितना ट्रिप्स है उतना ही ऑर्डर्स किया। आप देख सकते हो कस्टमर से ट्रिप्स मिला 70 रुपीज़, सर्जी पे मिला 120। तो अर्निंग जैसा भी है चलेगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक ही है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टोटल अर्निंग शो करा दिया। और वीडियो कहाँ स्टार्ट होता है कहाँ ख़त्म होता है पता नहीं चलता है, रूम से निकालता हूँ वीडियो स्टार्ट करके फिर ख़त्म करता हूँ जहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट होता है लास्ट ऑर्डर। तो अभी फ़िलहाल लास्ट ऑर्डर देने के लिए आया और कस्टमर को कॉल भी कर दिया, वो बोला मैं 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब आता है। और वीडियो लाइक कर देना हो सके तो।